नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो फाइनल रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। मैं आपको इस वीडियो में तीनों पीडीएफ बताऊंगा, जो तीनों पीडीएफ आई हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, कैसे अपना नाम देखना है, कैसे मेरिट कितना गया है आपकी स्टेट का, बॉर्डर आपकी कैटेगरी का, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। बाद में आप मुझे कमेंट करोगे कि सर ये बताइए, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि किस तरह रिज़ल्ट देखा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द जो आपकी कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट हुई थी दोस्तों, वो यहाँ पे निकल के सामने आई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ 370,000 जो कैंडिडेट थे, फीमेल ओवरऑल फीमेल और मेल्स, वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे अपीयरिंग इन पीईटी पीएसटी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी, एसएसएफ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा डाटा यहाँ पे बताया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो वैकेंसी थी वो ईडब्ल्यूएस की 567 थी, और टोटल फीमेल्स 404 सिलेक्ट हुई हैं, एससी 862 थी, 808 सिलेक्ट हुई हैं, एसटी 524 थी, 511 सिलेक्ट हुई, 1200 ओबीसी की जो वैकेंसी थी वो 1138, जो अभी फ़िलहाल मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, जनरल यहाँ पे देख सकते हैं कि 2378 वैकेंसी थी ओवरऑल, तो 2256 जो गर्ल्स हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतनी वैकेंसी जहाँ पे फुलफ़िल की गई है। और उसी के बाद दोस्तों यहाँ पे मेल्स की भी यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो, ये एक बार आप स्क्रीन शॉट है, अगर आप यहाँ पे टोटल 43,884 वैकेंसी थी बॉयज़ की, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 41,262 जो वैकेंसी है वो फिल की गई है। आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी जो है फिल हुई है। बाकी वैकेंसी दोस्तों जितनी भी बच जाती है वो अगले रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे वेकेंट रहती है, फिर वो अगले रिक्रूटमेंट में फिल की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो यहाँ पे निकाला गया है वैकेंसी कट ऑफ मार्क्स से, यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो 145.51, जो मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये स्टेट वाइज नहीं है, ये ओवरऑल है। एससी का 137, एसटी का 132, ईएसएम का 103, ओबीसी का 146, यूआर का 147, ये जो टॉप मार्क्स हैं, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सबसे हाइएस्ट मार्क्स लिए हैं, ये उन सभी का कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो हमें कितना देखने को मिला है। तो ये रही ये वाली जो पीडीएफ है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको कट ऑफ कैसे देखना है। ये पहले नंबर वाली पीडीएफ है, इसमें कट ऑफ दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दूसरी तीसरी पीडीएफ भी बता देता हूँ। ये जो दूसरी पीडीएफ है ये यहाँ पे देख सकते हो, ये फीमेल्स की है, फीमेल्स का रिजल्ट है। आप अपना नाम देख लेना यहाँ पे, आपके पापा का नाम, आपका रोल नंबर, आपका फादर नेम, मदर नेम, जितना भी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे दी होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एलोकेटेड आपको यहाँ पे दिया गया है बी क्या ए, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जो है सीट चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी फोर्स यहाँ पे मिली है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये पहली जो दूसरी पीडीएफ है ये फीमेल्स की रहेगी, और ये तीसरी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों ये जो है आ गई मेल्स की, जी हाँ दोस्तों, ये तीनों पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जाकर आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो जो भी यहाँ पे फोर्स मिली है, यहाँ पे फेज दिया है गया है एलोकेटेड, यहाँ पे सीएटी दिया गया है, पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कैसे चेक करनी है यहाँ पे देख सकते हैं, डी ए सी ई एफ बी ए ए, ये चीज़ आपको दी गई है। तो इसको आपको चेक करना है फर्स्ट पीडीएफ में। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपके सामने जो भी नंबर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आपके नाम के आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ये वाली पोस्ट जो है दोस्तों मिल चुकी है। इसलिए मैं आपको फर्स्ट पीडीएफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। बाकी ये दोस्तों आपका नाम आया है नहीं आया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बस एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो।